मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो सिर्फ एक पल में आपके चाहने वाले के चेहरे से नकाब हटा देता है। तुम क्या किसी को समझाओगे जब खुद भगवान श्री कृष्ण भी दुर्योधन को नहीं समझा पाए थे। जब भी तुम टूटो, अकेले में टूटना, क्योंकि कमबख्त ये दुनिया तमाशा देखने में बहुत माहिर है। कुछ लोग समझदार बनकर भी घमंड में रहते हैं और कुछ लोग मूर्ख दिख कर भी, बेवकूफ दिख कर भी दुनिया जीत लेते हैं। कमजोर वक्त होता है, व्यक्ति नहीं। माना कि आज तकलीफें बड़ी हैं तो कल कामयाबी भी बड़ी मिलेंगी। इंसान बस खुद की नज़र में सही होना चाहिए, क्योंकि दुखी तो लोग भगवान से भी हैं। जितनी जल्दी आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेंगे, आप उतनी ही जल्दी सक्सेसफुल बनेंगे, सफल बनेंगे। क्योंकि मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ होती है जो सिर्फ ली जाती है, जिम्मेदारी देने वाली चीज़ नहीं होती है। इसलिए जितने भी अच्छे लीडर्स होते हैं हमेशा जिम्मेदारी को लेते हैं, उसको करके दिखाते हैं, उसको निभाते हैं। तो आप भी जिम्मेदार बने। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल ही आदमी को सफल बनाता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए जो आपको ये तीन चीजें भेंट में दी हो, समय, साथ और तीसरा समर्पण। एक बात हमेशा याद रखना, जब आप कामयाब हो जाओगे ना, तो आपके बुराई करने वाले भी आपकी तारीफ करने लगेंगे। तो अपने गोल पे फोकस करो। जिंदगी में इतने कामयाब तो जरूर बनो जो आज आपकी मजाक उड़ा रहे हैं कल शर्मिंदा हो जाए। जिंदगी में दो लोगों का बहुत ख्याल रखना, एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ खोया, यानी कि हमारे पिता, दूसरा जिसको तुम हर दुख में याद करते हो, यानी कि हमारी माँ। बुराई भी होनी जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही तारीफ मिलेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, अभी हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने किस पर विश्वास किया और किससे आशाएं रखी। जुबान कोबरा के जहर से भी जहरीली होती है। जब ये डसती है ना, तो सिर्फ दिल ही नहीं, जिंदगी को भी बेजान कर जाती है। अधिकतर को संवाद से समझाओ और जरूरत पड़े तो विवाद से समझाओ, क्योंकि हर शत्रु को अगर विवाद का प्रयास करोगे तो यह तुम्हें तुम्हारी पथ से भ्रमित कर देगा। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छा आप हो, क्योंकि आप में वो अच्छाई देखने वाली नजर है। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है और इंसान उसे अपना खुद का समझ लेता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके बर्बादी के सारे दरवाजे खोल देता है, चाहे आप कितने बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हों।